मुश्किल से 100 या 150 ग्राम तेल आगा मात्र। राम राम भाइयों भाइयों, आज की वीडियो अपनी फार्म ट्रक 45 की पटले बहने वाली है। पटला देख लो कितना बढ़िया। और एक चीज़ बताऊँ, मैं आज माइलेज टेस्ट कर रहे हैं, इसका टैंक फुल कर रखा मैंने। और आज जैसे बीच में रोकेंगे तो घड़ी के हिसाब से बताऊँगा, ट्रैक्टर के जो मीटर हैं वो एक घंटा ही हो जावे है, मतलब घड़ी का, ट्रैक्टर का और घड़ी का सेम है घंटा। तो पहले मैं एक बार आपको ट्रैक्टर के घंटे दिखा देता हूँ कितने घंटे हो रहे हैं। भैया 2253.7 हो रहे हैं। अब शाम को जब इसमें तेल पूरा करेंगे तब भी मैं आपको घंटे दिखाऊंगा, तो उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि भी एक घंटे में पटले पे कितने लीटर तेल लेता है फार्म ट्रैक 45। क्योंकि भाई इससे पहले आपने स्क्रैपर पर वीडियो देखी थी, आज तक पटले पे इसकी माइलेज टेस्ट की वीडियो नहीं देखी। और भाई पटले के लिए मैसी भी चल रहा है 241, अपना 60 भी है 36 30, वैसे तो सबकी माइलेज टेस्ट की वीडियो आएंगी, पर 41 के साथ कंपेयर करके देखेंगे कि भाई कैसा माइलेज देता है फार्म ट्रैक 45 HP है DCM ब्लॉक के साथ। ठीक है भाई, तो वीडियो में दल हो रही, फंसा पड़ा 60। पटला बहुत जोर का है वाला, इसका गहरा पेट है, इस वजह से ना तो ट्रैक्टर को सजा था। चलो देखो 1200-1200 RPM होंगे पहले के हाई में, कितना बढ़िया चल रहा ट्रैक्टर। और यहाँ पर दलदल है जिस वजह से 60 भी फंस गया। अरे डर लग रहा कभी फंस जा रहा है इसमें ट्रैक्टर, ये देखो। भाई 1500-1500 RPM पे ही देखो सटीक आइडिया पड़ेगा कितना तेल लेंगे। इससे ज़्यादा RPM पे चलाने का फ़ायदा क्या, जब भाई इतने RPM पे ट्रैक्टर सही वर्क कर रहा, लोड नहीं मारना, तो फ़ायदा क्या। पैर की रेस है नहीं, हाथ की रेस से काम कर नहीं रहा ट्रैक्टर। तो भाइयों खेत हो गया खींच के कंप्लीट। अब मैं एक बार आपको ट्रैक्टर के घंटे दिखाता हूँ कितने घंटे ट्रैक्टर चला। तो देखो भाइयों, जो ट्रैक्टर चला 2264.9 चला और उस टाइम पे 53.7 था, अब आप लगा लो। और ये 34 लीटर की टंकी भरवा के लेके आए हम। अब इसमें पता चलेगा भाई कितना आएगा लीटर से, पूरा आपको आइडिया पता चल जाएगा भाई फार्म ट्रैक 45 एक घंटे में पटले पे कितना तेल लेता है। यहाँ पर मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दूंगा वीडियो में, जिससे कि आपको कम टाइम में भाई सटीक जानकारी मिल सके।
ट्रैक्टर में जो है 34 लीटर तेल तो आ चुका है, एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। और अभी और थोड़ा सा इसमें आएगा हिलाने के बाद टैंक, बाकी स्थिति जो होगी देखी जाएगी। देखो ये है आधा लीटर तेल है, नपा हुआ तेल है। अब इसमें से जितना आ जाएगा, देखो भाई 100-200 ग्राम इधर उधर हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। और जैसे पहले जिस तरीके से टैंक फुल करा था उसी तरीके से करेंगे, थोड़ा थोड़ा हिलाते रहेंगे टैंक को, क्योंकि ऐसा है फार्म ट्रैक की जो टंकी है उसमें भाई हिलाने के बाद भी काफ़ी तेल आ जाता है। और थोड़ा सा मैं टाइम का आइडिया बता दूँ भाई, 11 घंटे 12 मिनट ट्रैक्टर चला पूरा भाई, इसकी घंटे की सुई के हिसाब से, क्योंकि उस टाइम पर 53.7 पर चला था और अब 64.9 हो रहे हैं, तो 6 मिनट में इसका 10 होता है, तो उस हिसाब से 12 मिनट हुए, 11 घंटे 12 मिनट और 34 लीटर आ गया। और अभी और आएगा, हिला और ज़ोर से। तो अगर 300 ग्राम भी आ जाता है 400, देखते हैं बाकी स्थिति पता चलेगी, क्योंकि भाई ऐसा है 45 HP ट्रैक्टर के हिसाब से मेरे हिसाब से तेल ज़्यादा लिया ट्रैक्टर ने, क्योंकि भाई मैं अंदाज रहा था पहले 30 लीटर के करीब के, भाई ट्रैक्टर जो है 30 लीटर के करीब तेल लेगा, पर अंदाजा फेल हो गया भाई, 34 लीटर तो वही आ गया ट्रैक्टर में तेल और बाकी भाई ये रहा। तो देखो इस तरीके से टैंक फुल करा था पहले भी और अब भी इसी तरीके से फुल कर रहे हैं भाई, 300 ग्राम के करीब तेल आ चुका है ट्रैक्टर में, ये 200 ml के करीब बचा है, तो 34 वो और 200 ml 300 ml ही है। तो भाई पूरा ट्रैक्टर में जो है 34 लीटर 300 ml तेल आया। अब बाकी आप बताना स्थिति ट्रैक्टर की कैसी रही, ट्रैक्टर ने तेल सही लिया है ज़्यादा लिया, या भाई कोई कमी लगी हो वो बताना। अगर भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और भाई चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।